नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लाइसेंस की होता है, या फिर आपको जो प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो आपको लाइसेंस मिलता है एमएस ऑफिस का, या फिर आप कह सकते हैं इसमें इंक्लूडिंग ऑफिस होम एंड स्टूडेंट, तो ये वाला जो है आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। और जैसे आप कई बार विंडोज़ इंस्टॉल करवाने जाते हैं या किसी से वो गलती से फॉर्मेट हो जाए, या किसी भी केस में जैसे आपने कोई हार्ड ड्राइव अपग्रेड करा तो उस केस में अगर वो फॉर्मेट हो जाता है, तो वो चीज़ आपको कैसे दोबारा से रिकवर करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके केस में ऐसा कुछ होता है, जैसे आप परचेज़ करते हैं अपना ऑफिशियल लाइसेंस वाला, जो कि जेन्युइन एमएस ऑफिस का जो लाइसेंस की परचेज़ करते हैं, तो वो परचेज़ करते टाइम आपको जो है आपके अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से एक बार आपको साइन इन करना पड़ता है उसमें। और साइन इन करने के बाद जो है आप उसके अंदर अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन जब आप इसको फॉर्मेट कर देते हैं तो उस केस में आपको वो किस तरह से रिकवर करना है। तो विंडोज़ रिकवर करने के लिए तो जैसे ये है कि आपने हार्ड ड्राइव चेंज करा, तो हार्ड ड्राइव चेंज करने के बाद जो है आपका विंडोज़ जो डिजिटल लाइसेंस होता है वो जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो, जैसे आप ओरिजिनल मीडिया से विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, अगर आप किसी पायरेटेड विंडो को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो वहाँ से रिकवर नहीं होगा। यहाँ पर से आपको ओरिजिनल मीडिया जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है वो चीज़ आपको इंस्टॉल करके, और वहाँ पर से आपको प्रोडक्ट की जो मांगता है वहाँ पर अपना प्रोडक्ट की डालना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट की नहीं होता इन केस भी, फिर भी आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो सॉफ्टवेयर, वो जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते ही आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले एक जो मैं आपको यूआरएल है वो मैं यूआरएल आपको दे देता हूँ इसके अंदर। तो यूआरएल से जैसे ही आप उसको अपना इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर से एक गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। एक बार क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर से मैं यूआरएल को पेस्ट करता हूँ। ये जो यूआरएल है मैं आपको लिंक में भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ पर से मैं एक बार एंटर करता हूँ ये जो लिंक है, और यहाँ पर से लिंक पे जाने के बाद आप यहाँ पर से अपना जो है आउटलुक का जो अकाउंट है उसको आपको एंटर करना है। तो मैं अपना यहाँ पर से आउटलुक अकाउंट एंटर करता हूँ। तो आपके केस में आपका जो भी अकाउंट होगा, आप यहाँ पे अपना माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो साइन इन करने के लिए जो अकाउंट होता है, तो वो यहाँ पर से आप लॉग इन करेंगे, जो कि outlook.com hotmail.com के नाम से आपके इसमें अवेलेबल होगा। तो मैं अपना यहाँ पर से ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे एंटर करना है आपको। एंटर करने के बाद अब आपसे यहाँ पर एक बार पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा, जो कि आपके केस में जो आपका पासवर्ड है, तो यहाँ पर से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। अब पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको ये जो है सीधा एक तो यहाँ पर से आपको सेव का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पर से सेव को हटाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंस्टॉल ऑफिस का जो हमें टूल मिल जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट होम एंड ऑफिस के अंदर ये सारे चीज़ आपको नहीं मिलते हैं, जो कुछ लिमिटेड है वही चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर से एक बार इंस्टॉल ऑफिस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, ये हमें एक दूसरे टैब पे ले जाता है। दूसरे टैब पे ले जाने के बाद ये आपको आपके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से दिखाएगा। ये थोड़ा सा आपके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। तो ये देखिए जो मैंने लैपटॉप ख़रीदा था, ये जो है मेरा 7 मार्च 2019 को ये जो ऑफिस का जो प्रोडक्ट की है मेरा, वो एक्टिवेट हो चुका था। अब ये यहाँ पर से आप अपना प्रोडक्ट की भी देख सकते हैं। आपको अगर प्रोडक्ट की देखना है, या फिर इन फ्यूचर का भी आपको सेव करना है अपने इसमें, अपने रिकॉर्ड में रखना है इसको, तो यहाँ पर आप क्लिक करके और इसको देख भी सकते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल मेरा ये 7 मार्च 2019 को ही हुआ था, जो कि इन बिटवीन मेरा जो है कुछ दिक्कत आ गई थी, फॉर्मेट हो गया था लैपटॉप को, मैंने अपग्रेड किया तो उस केस में मुझे ये चीज़ जो है वो यहाँ पर से हटाना पड़ा। अब मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर से इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख जाता है आपको, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2016 फॉर पीसी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पर से इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। टाइम लगाने के बाद ये से देख सकते हैं एक छोटा सा सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जो कि आपको रिडायरेक्ट करेगा एक अपने जो यहाँ पर से आप 200 डाउनलोड्स में जाने के बाद देख सकते हैं, ये जो है आपका प्रोडक्ट की के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की यहीं दिखा देता है, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो एक टूल डाउनलोड होता है, इस टूल के माध्यम से जो है आपका सॉफ्टवेयर वो कंप्लीट पैकेज जो है वो डाउनलोड होके ये दे देगा।
तो ये यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर से मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसी में हमारे लाइसेंस में जो जो भी हमारे इसके अंदर ऑफिस का फीचर जो इसके अंदर मिलता है वो सब कुछ इसमें मुझे देखने को मिल जाता है। तो ये टाइम लगाने वाला है थोड़ा सा, तो इतने देर के लिए मैं वीडियो को या तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ या मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि जब ये कंप्लीट होगा फिर मैं इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो ये अभी थोड़ा सा पैकेज डाउनलोड करेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी चीज़ है वो सब कुछ डाउनलोड करने के बाद ये थोड़ी देर बाद ये एक अभी बैकग्राउंड में ये प्रोसेस इधर चलता रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और वन नोट, ये चार ही चीज़ है होम एंड स्टूडेंट वाले वर्जन में। तो ये चार ही चीज़ आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। इंस्टॉल हो रहा है अभी, ये अभी डाउनलोड करेगा। अब यहाँ पर से देख सकते हैं डाउनलोड जो इसका प्रोसेस वो शुरू हो चुका है। ये डाउनलोड 20 Mbps, 22 Mbps की स्पीड से ये डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा अभी डाउनलोड करने में। इतनी देर के लिए मैं वीडियो को जो है वो पॉज कर देता हूँ। तो जैसे ही वो सक्सेसफुली मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तो वो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। इंस्टॉलेशन का जो डैशबोर्ड है तो वो इस तरह से आपको कुछ दिखता है। और मैं यहाँ पर से एक बार एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद ये कनेक्ट टू इंटरनेट, इस तरह से आपको ये चीज़ जो है वो करनी है। और यहाँ पर से आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करते ये इंटरनेट से कनेक्ट होके और आपका जो है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा। तो अब जैसा कि देख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट 2016 इज़ एक्टिवेटेड। टू मेक योर चेंजेस टेक इफेक्ट, एग्जिट एंड रिस्टार्ट एनी वन ऑफ योर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ये सक्सेसफुली मेरा जो है वो इसमें इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है मेरे ऑफिस एंड होम का। ये जो वर्जन है फ्री वाला, होम स्टूडेंट वाला, जो लाइफ टाइम के लिए जो मेरा एक्टिवेटेड हो चुका है। तो इसमें आपको अगर आप कहीं परचेज़ करते हैं तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और वन नोट, ये चार चीज़ें मिलता है। इसके अलावा अगर आपको आउटलुक चाहिए या फिर एक्सेस का जो फीचर चाहिए इसमें, वो सब चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलता। मैं आपको यहाँ पर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही अगर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार ही चीज़ दिखाई देगा, वर्ड, पावर पॉइंट, वन नोट और एक्सेल। तो अगर इतने में ही आपका काम हो जाता तो स्टूडेंट के पर्पज़ से अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ काफ़ी है। और अगर वो कभी अपने फीचर को जो है वो भूल जाते हैं या फिर आपके हार्ड ड्राइव चेंज होने के बाद वो चीज़ आपके इसके अंदर से चला जाता है तो वो आप इसको इंस्टॉल करके और बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।